तरह से संभाला था इंदौर वासियों? देखिए, सबसे पहला ये है कि इंदौर वासियों से यही अपील करना चाहूँगा कि आप मास्क का उपयोग ठीक ढंग से करें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, थोड़ा भय रखें, क्योंकि कोरोना गया नहीं है। यही नतीजा है कि तेज़ी से केसेस बढ़े हैं, और चूँकि अभी सीरियस पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं, कहीं भी किसी को लगता है कुछ सिम्टम इस तरह के आते हैं, तत्काल वो अस्पताल में जाएं, मेडिकेशन लें, हमें डॉक्टर से डिस्कस करें। अभी जो स्थिति चल रही है उसमें लेट अराइवल हो रहा है, जो जिसके कारण आईसीयू में सीधे पेशेंट्स जा रहे हैं। इंदौर में भी स्थिति ये है, इससे तात्पर्य ये हुआ कि आप कोई तबीयत खराब होने के बाद भी सात सात आठ आठ दिन घर पर इलाज करा रहा है अपना। अगर थोड़ा भी लगता है कि उसको कोरोना के सिम्टम्स हैं, पॉजिटिव आ गया है कहीं पर, तो होम आइसोलेशन की जगह सीधे वो थोड़े सिम्टम्स बढ़ने पर सीधे उसको अस्पताल जाना चाहिए, और रेमडेसिविर वगैरह का इंजेक्शन लगता है, उससे एकदम वायरल वो ठीक होता है। तो अभी जो परिस्थिति चल रही है लेट अराइवल की, उसमें थोड़ा गंभीर स्थिति में पेशेंट जा रहे हैं, जिससे आईसीयू की जो बेड ऑक्यूपेंसी है उसके नंबर ऑफ डेज बढ़ गए हैं। तो यही अनुरोध है कि अगर जल्दी डिटेक्ट होगा, जल्दी रेमडेसिविर वगैरह के इंजेक्शन लेंगे, या जो कंसर्निंग डॉक्टर जो भी उनको देंगे, उसको जितना जल्दी इलाज शुरू कराएंगे उतना ही जल्दी वो रिकवर भी होंगे, और उनकी स्वास्थ्य जल्दी रिकवर करेगा, और किसी प्रकार खतरा उत्पन्न नहीं होगा उनको। देखिए, ऐसा कोई मुहिम वाली बात नहीं है, जो भी समाज के लिए गलत तत्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज जमीन पे एक व्यक्ति कोई अगर पूरे जीवन भर की कमाई से प्लॉट खरीदता है, उसको कोई बदमाश व्यक्ति, असमंजस व्यक्ति कब्जा कर लेता है, कोई फर्जी एग्रीमेंट बना लेता है, फर्जी नोटरी बना लेता है, या नोटरी भी सही बना करके उस पर अधिकार जमाता है, ये सब एंटी सोशल एलिमेंट्स की श्रेणी में आते हैं, और आपराधिक कृत्य किया हुआ है, थाने में अपराध हैं, या कोई भू संबंधी उसने हेराफेरी करके और अवैध धन अर्जन किया है, ऐसे लोगों की प्रॉपर्टीज़ पे डैमेज करने का तात्पर्य ये रहता है कि ये फ्लरिश ना करें, जो भी अवैध और क्राइम और गलत ढंग से उन्होंने अर्जित की है, और उसको इसीलिए हटाया जाए, तोड़ा जाता है उसको, और ताकि ये डिस्करेज हों, ये समाज में आइडेंटिफाई हों, और आगे इनकी इस तरह की जो करने की जो इनकी वो है मंशा रहती है, उसको डिस्करेज हो, हतोत्साहित हों वो लोग।